न हमके रुपया चाहत न पैसा चाहत दीदी न हम सुनल करब दीदी। हमरे संगे जैसे अन्याय कैले हूँ वैसे अन्याय का सजा उनके मिले के चाहिए दीदी। जहाँ भी जाना पड़े वहाँ पर हम जाने के लिए तैयार हैं, लेकिन न्याय मिलना चाहिए। अन्याय और जुल्म का अंधेरा गहराता है जब हम जुल्म के आगे झुक जाते हैं। जुल्म के अंधेरे को प्रतिरोध का एक दीप भी रोशन कर सकता है। आज देश के कोने कोने में प्रतिरोध के दीप रोशन हो रहे हैं और पीड़ितों के न्याय की पुकार को हजारों आवाजों का साथ मिल रहा है। जहां न्याय व्यवस्था में पीड़िताओं की सुनवाई नहीं हो रही थी, वहां मध्य प्रदेश में महिलाओं ने जन सुनवाई का जरिया अपनाया। बिना डरे, बिना समाज में बहिष्कृत हुए हम बलात्कार के मुद्दों पर बात कर सकें, इसके लिए हम लोग एक साथ आए हैं। साहस के साथ पीड़िताओं ने खुलकर लोगों के सामने अपने दर्द और संघर्ष की दास्तां बयां की। नतीजा, प्रशासन और समाज को मजबूरन जागना पड़ा। इस लड़ाई में हम सब शामिल हैं और जब तक न्याय नहीं मिलेगी तब तक इसमें हम जरूर लड़ते रहेंगे। और कभी लड़ते लड़ते बहुत बड़ी कुर्बानी भी देनी पड़ती है। इसी लड़ाई में शहीद हुए पश्चिम बंगाल के वरुण विश्वास, जिन्होंने बलात्कार करने वाले अपराधियों के खिलाफ अपने गाँव शूटिया में जंग छेड़ी। आखिरकार अपराधियों को सजा हुई, लेकिन अपराधियों ने वरुण की हत्या करवा दी। वरुण विश्वास के बलिदान ने प्रतिरोध के लॉ को मशाल बनाया, लोगों को जागृत किया। वरुण विश्वास अमर रहे। आज बंगाल के पूरे प्रांत में जहां भी बलात्कार होता है, अलग अलग जगह से वहां लोग आकर पीड़िता और उसके परिवार का साथ देते हैं, बलात्कार का विरोध एकजुट होकर करते हैं। बलात्कार से जूझती हुई महिलाओं के लिए महाराष्ट्र के अहमदनगर में स्नेह आधार नाम का एक सहायक केंद्र शुरू हुआ है। एक हेल्पलाइन भी बनी है जिसके जरिए पीड़ित महिलाओं को काउंसलिंग के अलावा पुलिस, कानूनी और अन्य प्रकार की मदद उपलब्ध हो रही है। सबसे अनोखी पहल महाराष्ट्र के एक छोटे से गाँव में हुई। वहां पर बलात्कार से लड़कर उभर चुकी महिलाओं ने दूसरी पीड़ित महिलाओं को सहारा देना शुरू किया, उनका मनोबल बढ़ाया। उनका मानना है रोने से बेहतर है लड़ना। युवा पीढ़ी इस लड़ाई में लोगों को नई दिशा दिखा रही है। दिल्ली के त्रिलोकपुरी में प्रतिधि संस्था से जुड़ी स्कूल और कॉलेज की छात्राएं प्रतिरोध का अहम हिस्सा बन रही हैं। महिला हिंसा के खिलाफ लोगों में जागरूकता फैला रही है। पुलिस में शिकायत दर्ज करवाने से लेकर मेडिकल जांच तक हर कदम पर पीड़ित महिला का साथ दे रही हैं। कहीं मोर्चे, कहीं नारे और कहीं खामोश जुबान और नम आंखों से दी गई श्रद्धांजलि। लोग जुड़ रहे हैं, आवाजें बुलंद हो रही हैं, एक ऐसा समाज बनाने के तरफ कदम बढ़ रहे हैं जहां महिला बेखौफ हो, अपराधी को कानून का डर हो और पीड़िता के लिए लोगों में संवेदना हो। हमारी मंजिल दूर है और हम मंजिल तब तय कर पाएंगे जब हम सब बदलाव के इस लहर का हिस्सा बनें।